हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक एन अनदर वीडियो। संडे कमेंट बॉक्स में आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के कमेंट का हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ओके, चैनल पर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, चलिए फर्स्ट कमेंट देखते हैं, फर्स्ट कमेंट किसका है। ओके, शायद मैं ओके डायलॉग ये वर्ड ज़्यादा बार यूज कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हो आप, कमेंट करके मैं बताओ मुझे। ओके, ज़्यादा बार बोल रहा हूँ क्या इसमें ना। मैं कोशिश करूँगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर करूँ और पूरा एक्सप्लेन करूँ वीडियो पर रही। और आप लोगों से शिकायत है कि वीडियो को पूरा देखते नहीं हो और आधी अधूरी जानकारी लेने के बाद, मतलब थंबनेल देखोगे बाद में फटाफट नंबर निकालोगे मेरा और मेरे पास फ़ोन कर देते हो, तो ऐसा मत करो। आप लोग वहाँ से पूरी जानकारी ले लो, मेरे पास टाइम नहीं है उतना आप लोगों से 5-5 मिनट 10-10 मिनट सबसे बात करने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा फ़ोन कॉल आता है। आपको क्या लगता है, 1-2 फ़ोन कॉल आता है, 500 दिन दिन में 500 फ़ोन कॉल आते हैं। समझो अगर एक आदमी को 5 मिनट अगर फ़ोन टाइम दिया तो कितना टाइम मेरे पास जाएगा, मुझे और भी काम रहते हैं भाई, थोड़ा समझो। वीडियो को पूरी देखो, आपको जितनी मैंने सारी वीडियो बनाई है, जितनी वीडियो बनाई है उस वीडियो में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मैंने दे देने की कोशिश की है। जो मैं आपको फ़ोन में टेलीफोन में बोलता हूँ ना, सेम जानकारी मैंने वीडियो में दे रखी है। अभी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आप कंटिन्यू जो मैंने वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे दी है वहाँ पर है, अवेलेबल है। आप मेरे से बोलोगे कि सर ज़बरदस्ती कि सर आप फ़ोन पर ही बता दो, वीडियो में नहीं समझ में। अरे क्या ऐसा बोलता हूँ मैं, वीडियो में नहीं समझ आती आप लोगों को। जो मैं अभी आपको टेलीफोन में बोलता हूँ ना, वही सेम जानकारी मैं वीडियो में बोला हूँ। तो उसमें से आप डिसाइड करो, जितनी जॉब हमारे पास अवेलेबल है ना उसमें से डिसाइड करो। आप डिसाइड करो आपकी को आपको उसमें से कौन सी जॉब चाहिए, कैसीनो में, होटल में चाहिए या फिर इंडस्ट्री में चाहिए, कंपनियों में चाहिए, पैकिंग प्रोडक्शन स्टोर QA QC कंपनियों में चाहिए। आप डिसाइड करके बताओ हमें कि आपको क्या कहाँ पर जॉब करनी है, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी तो मैं कई जगह पर आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके, ठीक है, ये देखो ओके मैं ज़्यादा बार बोल रहा हूँ अभी, ये इस पर मेरा ध्यान रहेगा कि मैं आपको ज़्यादा बार इस वर्ड को रिपीट ना करूँ। तो कमेंट को हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट कमेंट हम लेते हैं इसमें से। बहुत अच्छा उन्होंने कमेंट किया है कि जो भी मैं अभी स्टार्ट किया हूँ ना 2021 से आप लोगों से पैसा चार्ज कर रहा हूँ, एक 10,000 के आसपास सैलरी, तो 1,000 रुपये ले रहा हूँ, 10,000 के ऊपर सैलरी है, 13,000 14,000 15,000 सैलरी है, तो मैं एक 1,500 बोले तो 1,500 1,500 रुपये चार्ज कर रहा हूँ जो भी बंदा हमारे पास आ रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है और बहुत सारे लोग फ़ोन पे भी पूछते हैं कि सर आप पैसा एक ही बार लोगे कि हर बार लोगे, बार बार लोगे, हर महीने में लोगे। तो देखते हैं कमेंट किसका है, आपको नाम बोलता हूँ उनका। बहुत अच्छा उन्होंने कमेंट किया, बहुत अच्छा कमेंट किया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अनिल गोल्डन टेलीफिल्म्स ने कमेंट किया है, 1,000 रुपये लेंगे कि जब जब सैलरी आएगा तब तक लेंगे। नहीं सर जी, आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम जब हमारे पास आओगे ना तभी मैं आप लोग से सिर्फ एक बार सिर्फ आपसे मैं पैसा लूँगा, उसके बाद आपसे पैसा चार्ज नहीं लूँगा। ओके, आप लोगों की कन्फ्यूजन ये दूर हो गई। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन करके भी पूछते हैं, तो एक आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो गई कि मैं सिर्फ एक ही बार फर्स्ट टाइम जब आप आओगे हमारे पास तो फर्स्ट टाइम 1,000 पेमेंट लूँगा। जब आपकी अगर सैलरी 10,000 रुपये है तो अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी है, 12,000 14,000 13,000 सैलरी है, तो वहाँ पर मैं आपसे 1,500 रुपये ले रहा हूँ, वन टाइम लूँगा, उसके बाद नहीं। रोशन कुमार ने कमेंट किया है, बहुत अच्छा उन्होंने कमेंट किया। देखिए लोगों की मानसिकता, लोगों की सोच कितनी अच्छी है, इसी में बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करने वाले हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। उनका भी चचा का नाम मैं पढ़ूँगा और मैं बोलता हूँ उनको उनका नाम क्या है। तो इतने लोगों की सोच, मतलब आप ये तो बात 100% फैक्ट है, आप कितने भी अच्छे काम करो, कितने भी सही काम करो, लेकिन हर एक इंसान के लिए आप सही नहीं हो सकते। किसी न किसी की नज़र में आप बुरे रहोगे, हमेशा बुरे रहोगे, चाहे कुछ भी करो उसके लिए, ऐसा है। तो ये लोगों की सोच क्या है मैं बोल नहीं सकता। तो उसी में से देखो चाचा, आप कमेंट पढ़ो नीचे, कितना अच्छा लोगों ने कमेंट किया है और आप भी क्या कमेंट करते हो, आप भी अपना कमेंट पढ़ो। ओके, तो मैं उनका कमेंट पढ़ता हूँ, कितना अच्छा उन्होंने कमेंट किया है। रोशन कुमार कमेंट किया है, सर आप अनजान आदमी के लिए भगवान हो, जो इंसान
अनजान जगह जाता है उसके लिए। थैंक यू सर कमेंट करने के लिए, लेकिन आप जितना सोच रहे हो मेरे बारे में उतना हेल्प आप लोगों का नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों का अभी मैं उतना ही कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर रजिस्टर हो सको। एक बार रुक गए ना आप अपने आप रुक सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सर्वाइव बिंदास कर सकते हो, कि कहीं पर किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हमें भूल जाओगे। तो इतना बड़ा हमें क्या बोलते हैं मत बनाइए कि मैं लोगों के लिए भगवान हूँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बस आप लोगों का सपोर्ट है, आप हमें यूट्यूब से माध्यम से हमें सपोर्ट करते हो, हम आपको यहाँ जो भी कुछ होता है जितनी भी हो सकती है मैं यहाँ से सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन अभी पहले मैं फ्री करता था, अभी आप लोगों से मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा हूँ, मनी प्रॉब्लम आप लोगों को दे रहा हूँ कि मैं आप लोगों से मैं पैसे चार्ज कर रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि देखो भाई, मैं अभी फ़िलहाल जहाँ काम कर रहा हूँ वो काम छोड़ करके आपको मैं हेल्प करने के लिए आता हूँ, अपना टाइम निकाल करके अपने के लिए आपके पास आता हूँ, तो मेरा अभी फ़र्ज बनता है। और दूसरी बात कि मैं देखो, कोई भी इंसान को अगर कोई भी चीज़ अगर फ्री में दे दो ना तो उसको एक्सेप्टेबल नहीं होती, वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो उसकी कदर नहीं करता है। इस आकाश नायक बोल रहे हैं कि काम क्या रहेगा फिनोलेक्स कंपनी में, वो केबल कंपनी है, केबल बनती है, तो आपको वहाँ पर केबल ऑपरेटर ही रहोगे, केबल केबल बनाने के लिए हेल्पर ही मशीन पर ही रहोगे, जे हेल्पर या फिर केबल ऑपरेटर बनोगे, सिंपल सी बात है। वहाँ पर आपको ऑफिसर रैंक की तो जॉब मिलने वाली नहीं है। ओके, ये यार मैं ओके ए वर्ड ना पूरा लगता है बैठ गया है जुबान पे, बार बार आता है। दीपक वंजारे लिखते हैं, भाई इसको एक रुपया भी मत देना, वेरना में हर कंपनी में कॉन्ट्रेक्टर होते हैं, वो आपकी सेम हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अगर उड़ीसा से, आसाम से, जम्मू कश्मीर से, उत्तराखंड से, मुंबई से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, और कहाँ बोलूँ मैं, एमपी से, यूपी से, झारखंड से, बिहार से, अगर यहाँ से आ रहे हो बैग लेके आओ और कॉन्ट्रेक्टर के पास चले जाओ, वहाँ पर आपको हेल्प लोग कर देंगे भरपूर। ओके, अब जाओ, नो प्रॉब्लम, आपको बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, तो आप ढूंढ सकते हो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरे को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कहीं पर फ्री में हेल्प मिल रही है, बिल्कुल लोग करते हैं, लेकिन आप उनको ढूंढो जाकर के, कंपनी गेट पर जाओ, कंपनी गेट पर आपको बहुत सारे कॉन्ट्रेक्टर मिल जाएंगे, एक एक कंपनी पर 20-20 कॉन्ट्रेक्टर लोग खड़े रहते हैं, जाओ आप ढूंढो, नो प्रॉब्लम। आपका दोस्त 17 घंटे पहले कमेंट किए हैं, फर्स्ट कमेंट है, धन्यवाद भाई कमेंट करने के लिए, आप लोगों की वजह से तो मैं हूँ, आप लोगों की वजह से तो मेरी पहचान है, नहीं तो कौन पहचानता है मुझे। मोनू शर्मा, सर जॉब चाहिए गोवा में, बीकॉम एमबीए, वेरी अर्जेंट नीड योर हेल्प। तो सर आपको मैंने बोला था कि आप अपना सीवी मुझे फॉरवर्ड कर दो, हमारे पास कहीं भी अगर भी रिक्वायरमेंट है, बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा, या फिर एमबीए आप किए हो, बीकॉम किए हो, अपना सीवी भेज दो, हमारे पास रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं आता रहता है, और वहाँ मैं सीवी आपका फॉरवर्ड कर दूंगा, आपको कॉल जाएगा, आपका अगर किस्मत है, जॉब लिखा है यहाँ पर गोवा में, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये अपनी सीवी मुझे फॉरवर्ड करने के बाद बीच बीच में हमसे आप कॉन्टेक्ट कर लिया करो, देखेंगे कहीं ना कहीं अगर हो जाता है तो बेस्ट आप लगा आपको। आर के साहिल लिखते हैं, भाई मेरा एक दोस्त है जो गोवा से आया है, बोल रहा था कि गोवा में काम करने वाले लोगों का हर महीना कोरोना जांच करवाना पड़ता है, इसके लिए पैसे लगते हैं, आप बताइए क्या ये सही बात है। तो सर आपको मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, वेरना इंडस्ट्री में तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ पहले था, 2020 तक था कि अगर आप गोवा में आ रहे हो तो थोड़ी कंपनी आपको एक गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर होता है वहाँ से आपको कोविड का चेक करने के लिए बोलता था, वो जो वहाँ पर फ्री होता है। बाद में एक प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं जो आपको मेडिकल फिटनेस होता है, आपका फिटनेस चेक करके बोलते हैं कि नहीं आप परफेक्ट हो, काम कर सकते हो, वो फिटनेस सर्टिफिकेट कंपनी मांगती है, तो हम आप जा कर के डॉक्टर के पास से लेकर के आते हैं, डॉक्टर चेक करता है पूरी तरह से, आपको फिट देखता है, अगर फिट वेरीफाई करता है, वो सर्टिफिकेट लेकर जाते हो कंपनी में, तो वहाँ आपको काम मिल जाता है। ओके, और रही बात मेडिकल का हर महीने, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको जो भी दिया रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। और कंपनियों में काम करने के लिए ज़्यादातर कंपनी अपने कंपनी के अंदर ही मेडिकल कर लेता है, अगर उनको रिक्वायरमेंट है कि आप बाहर का मेडिकल फिटनेस लेकर के आओ तो कंपनी आपको बोलेगी, वहाँ से आप सर्टिफिकेट लेकर के आ सकते हो। ओके,
जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया है ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, आप खुद चेक कर सकते हो। आप अगर और कोई आपके बंदे हैं तो आप खुद चेक कर सकते हो कि ऐसा कुछ नहीं है, हर महीने चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। मोहित कूलर लिखते हैं, गोवा में वेदर कैसी है अभी कोई बताएगा, मुझे जाना है, इन ए वीक एनी वन सजेस्टेड। तो सर मोहित जी आपको बता दूँ कि गोवा का क्लाइमेट एकदम परफेक्ट है, अभी एक दो दिन पहले बारिश भी हुई है, तो काफ़ी खूबसूरत मौसम है। आइए बिल्कुल खूब मौसम का एंजॉय करिए, मज़ा लीजिए, और काफ़ी खूबसूरत है, बिल्कुल बिल्कुल ठंडी भी ना के बराबर है, अभी ठंडी भी नहीं ज़्यादा पड़ रही है, अभी बारिश हुआ है तो शायद ठंडी पड़ेगी तो और भी मौसम सुहावना हो जाएगा और भी मौसम खूबसूरत हो जाएगा। तो वेलकम बैक, आप आ सकते हो गोवा में, काफ़ी मौसम अच्छा है, आप इस वीक में आओ, नेक्स्ट वीक में आओ, अभी तो टूरिस्ट पूरी तरह से चालू भी हो चुका है, बीच वगैरह रिसोर्ट वगैरह सब कुछ ओपन हो चुके हैं, आप वहाँ पर जा करके बीच पर भी आप एंजॉय कर सकते हैं, फुल मस्ती कर सकते हैं, टेंशन नहीं है। तो वेलकम बैक, आप गोवा आ सकते हो। और एक हमारे चाचा हैं संतोष झा करके, वो बोलते हैं अपने आप को वो क्लर्क हैं, उनका कमेंट आता है बहुत, उनको पता नहीं क्या खुजली है, समझ में नहीं आता है, वो अपने आप को क्लर्क बोलते हैं लेकिन मेरे को लगता है वो ग्रुप रेलवे में ग्रुप डी वही पटरी वटरी पर वो टाइट करते होंगे, क्या बोलते हैं, रेलवे की पटरी को टाइट करते होंगे नट बोल्ट को, या फिर सफाई कर्मी काम करते होंगे, मुझे उनके बातों से ऐसा लगता है। वो चचा को तो गाली देने का मन कर रहा है लेकिन नहीं देंगे क्योंकि उनकी वजह से हम हैं, क्योंकि भारी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, गंदा कमेंट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी जो जैसा उन्होंने एक बार मेरे को कमेंट किया था कि मैं रेलवे में क्लर्क हूँ, तो मुझे लगता नहीं उनकी ये वर्ड जो आप वो कमेंट में लिखते हैं ना उससे लगता नहीं कि वो क्लर्क में होंगे, वो ग्रुप डी की जॉब आती है ना, ग्रुप डी सी की, वही फोर्थ ग्रेड की नौकरी करते होंगे, सफाई रेलवे की पटरी साफ सुथरा करते होंगे चचा। तो चचा को गाली देने का मन कर रहा है, वही मिर्ज़ापुर का डायलॉग मैं बोलने को मन तो कर रहा है लेकिन बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं अगर बोल दूँगा, पिछली वीडियो में बोला था, तो अगर मैं बार बार बोलूँगा तो उनके में और मेरे में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, मेरी भी उनके जैसे ही तुलना हो जाएगी, ओके, उनके मतलब पागल के साथ पागल मैं भी हो जाऊँगा। तो थैंक यू चचा कमेंट करने के लिए, आप ऐसे ही कमेंट करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप जहाँ पर रहो हो खुश रहो, टेंशन नहीं है, आप अपनी दुनिया में मस्त रहो अपनी फैमिली के साथ। और आप रही बात बैड कमेंट के लिए कि तो कोई बात नहीं, सैल्यूट है आपको, कुछ तो आप कर रहे हो ना, बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते भी नहीं हैं और डिसलाइक कर देते हैं, आप बैड कमेंट करते हो, नो प्रॉब्लम, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के वजह से, देखिए कोई भी इंसान को अगर कोई क्या कोई कुछ ना कुछ अगर मिलता है रास्ते में, ठोकरें मिलती है ना, तभी वो आगे बढ़ता है, या फिर उसको कोई गिराता है तभी वो उठता है, तो आप समझो उसी में से हो, हमें रास्ता दिखा रहे हो आगे बढ़ने के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए। तो संतोष झा चाचा थैंक यू आपको कमेंट करने के लिए, बार बार आप कमेंट ऐसे ही करते रहो, एक दिन न एक दिन अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते हैं, तो आप भी सुधर जाओगे, अच्छी बात, ऐसी बात नहीं है, आप भी लाइन पर आ जाओगे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आप इंस्टाग्राम पर अभी फॉलो नहीं किए हैं जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ पर हम आपसे बातचीत करते रहते हैं और वहाँ पर हम पोस्ट डालते रहते हैं और आपका क्वेश्चन का या फिर आपके मैसेज का रिप्लाई भी देने की कोशिश करते हैं। वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।